हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर इंजीनियर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है और किस तरीके से आपको कन्विंस करके वो आपका पासवर्ड, आपका ओटीपी, वो सब कैसे आपसे छीन लेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात बता दूँ दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे है। जैसे ही मैंने उसको फ़ोन किया था, वो जो हम दोनों के बीच में जो बात हुई थी वो सब लाइव है इसमें। मतलब कि इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं किया है, सिर्फ आवाज़ ही मैंने ऐड किया है। जो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था वही आवाज़ ऐड किया है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए दोस्तों, वो कैसे कन्विंस कर रहा है, फिर कैसे वो आखिरी में फ़ोन करके गाली भी बोलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही सारे टेक्निकल वीडियो देखने को मिलेगा, कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड का वीडियो मिलेगा और बहुत सारा जनरल नॉलेज भी मिलेगा आपको। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई दिन पहले मेरे पे एक SMS आया था, तब तो मैंने इसको इग्नोर किया था। लेकिन क्या था, अभी मैं फ्री बैठा था और मेरे को एक आईडिया आया कि चलो ऐसा कोई वीडियो बना लिया जाए कि जिसकी वजह से दोस्तों के, मतलब अपने फ्रेंड्स के पैसे बच सकते हैं, उसके साथ फ्रॉड होने से कैसे उसको बचाया जा सकता है। ASMS आप पढ़ सकते हो दोस्तों। डियर Paytm कस्टमर, योर Paytm KYC हैज़ बिन सस्पेंडेड, कॉल Paytm ऑफिस फ़ोन नंबर, इसको फ़ोन नंबर दिया है। फ़ोन नंबर आप मेरे जो स्क्रीन पे मैं फ़ोन लगा रहा हूँ उस नंबर से आप मैच कर लीजिए दोस्तों, एक दोनों सेम नंबर है। तो ऐसा उसने बताया मेरे को कि आपका जो Paytm अकाउंट है वो 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको आपको KYC करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग घबरा जाते हैं और जल्द से जल्द उसको कॉल कर देते हैं। कॉल करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा आखिरी में दोस्तों। अभी हम कॉल कर देते हैं दोस्तों। हाँ जी सर, आपने अपने को मैसेज भेजा था Paytm KYC के लिए। हाँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? प्ले स्टोर में मैं हैंड्स फ्री लगा दूंगा तो चलेगा सर? हाँ चलो, लगा दिया सर, बोलिए सर। प्ले स्टोर में क्या करने का? KYC क्विक सपोर्ट, इसमें तो सर टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट आया। टीम व्यूअर वाले को ओके सर, ये तो 30 MB का है सर, ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा। नहीं, अभी तो 30 MB का है, मैं चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया था, तो मैं अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, वो मेरे को कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है, वो टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है। जिससे क्या होता है कि सामने वाला आपसे एक आईडी मांगेगा, वो आईडी आप देंगे उसको तो वो सामने वाला बंदा है वो आपकी स्क्रीन को देख सकेगा, जिसकी वजह से वो पासवर्ड चोरी करेगा। मतलब जो भी मैं मेरी मोबाइल में टाइप करूँगा वो सब उसको दिखेगा, वो बंदा OTP भी देख पाएगा तो उसकी मदद से वो लॉगिन कर लेगा और आपकी Paytm में जो भी बैलेंस है वो दूसरे मोबाइल नंबर में ट्रांसफ़र कर लेगा। इस तरह से वो आपका पैसा हड़प सकता है। ओपन हो गया सर, ओपन कर दूँ सर? हाँ जी, किया किया सर, किया। नहीं, अभी नहीं कर रहा है। आ गया, आईडी आ गया, 1683022560। हाँ जी, 1683022560। ओके ओके सर, एक मिनट आने तो दो सर।
ओके सर, किया सर, अलाउ किया मैंने, 1 मिनट। ओके, स्टार्ट नाउ कर दिया सर। यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है दोस्तों, क्विक सपोर्ट ऐप हैज बीन मिनिमाइज्ड, स्क्रीन शेयर एक्टिव, मतलब कि सामने वाला आपकी स्क्रीन को देख सकता है। आपको यहाँ पे नोटिस भी मिल रहा है। कर दिया सर। paytm.com, वही तो दिक्कत है ना सर यहाँ पे। चलो सर, कर दिया। हाँ, कर दिया सर। उसके बाद लॉग इन टू पेटीएम आ रहा है, मोबाइल प्रीपेड, ऐसा सब कुछ पूरा, मतलब पेटीएम का जो थीम है वो ओपन हुआ है सर। हाँ, जी सर। यहाँ पे बंदा, सामने वाला बंदा मेरे को लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन क्या है, नेट स्लो होने की वजह से उसको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो पहले मेरे को बोल रहा है कि आप सबसे पहले नेट ठीक कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए, ताकि वो क्या करेगा, मेरा स्क्रीन भी वो देख सकेगा, तो पासवर्ड भी देख सकेगा, सब देख सकेगा। इसमें क्या है सर, यही फ़ोन से अगर मैं बात करूंगा ना तो ही नेट का स्पीड आएगा, वरना नहीं आएगा। अब देखिए सर, एक बार फिर से देखिए ना, आया कि नहीं। ओके, कर रहा हूँ सर, कर दिया सर। ओके ओके सर, हाँ आया सर, आया आया। ओके सर, 1 मिनट सर, आ गया सर, कर दिया सर, कर दिया। ओके सर, गया सर। हाँ जी, आ रहा है सर, आ रहा किया सर। ओके सर, ओके, आया आया सर, आया। लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है, लॉग इन इंटू पेटीएम। अभी मोबाइल नंबर आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है, लॉग इन कर दो सर। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, मेरा पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ था, तो इसने मेरे को कन्विंस किया कि आप एक बार पासवर्ड क्लियर देख लीजिए कि सही है कि नहीं। मेरे को पता ही था पासवर्ड मैंने चेंज किया हुआ रखा है, लेकिन उसने फिर भी मेरे को कन्विंस किया कि आप पासवर्ड देख लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही पासवर्ड देखूंगा तो उसको भी स्क्रीन में पासवर्ड दिखाई देगा, तो उस वो पासवर्ड देख लेगा, तो वो नोट कर लेगा पासवर्ड। तो उसने मेरे को कन्विंस किया और मैंने पासवर्ड देख लिया, लेकिन मेरा पासवर्ड गलत था, तो मैंने फिर से दूसरा पासवर्ड डाल दिया। उसको दिखाने के लिए किया था, क्योंकि उसको सही लगे कि मैं उसकी जाल में फंस गया हूँ। आ गया सर, वो अभी OTP मांग रहा है सर। जी सर, यही नंबर पे आता है सर। पेटीएम नंबर है, उसमें आता है सर। ठीक है, ठीक है सर। देखिए दोस्तों, आपने देखा ये मेरे को क्या बोल रहा था, KYC मतलब करने के लिए बोल रहा था। और अभी इसने क्या किया, मेरे से छुपके से इसने क्या किया दोस्तों, अभी मैं पहले है ना क्विक सपोर्ट बंद कर देता हूँ। क्विक सपोर्ट बंद कर दिया मैंने। ये क्या कर रहा था, क्विक सपोर्ट की मदद से ये मेरा पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको बता भी दिया, लेकिन क्या है, उसमें पासवर्ड गलत ही है। देखो उसका फ़ोन भी आ गया, अभी बात कर लेते हैं, थोड़ा गाली गाली होगा। जी सर, OTP नहीं आया सर अभी, नहीं OTP नहीं आया सर। ओके, इसमें सर कुछ मैसेज आया है, नहीं वो तो दूसरे का है, वो नहीं है सर। जी सर,
ओके ओके सर, हाँ वो वही ओपन किया हूँ मैं सर। जी सर जी, एक मिनट सर, आने तो दो सर। आ गया, स्टार्ट ना हो गया सर। हाँ वो काट दिया, मैसेज में ही आया वो सर। कोई नहीं आया सर, देख सकते हो आप, एक जियो का मैसेज है और एक SBI कार्ड का मैसेज है, और कोई मैसेज नहीं है सर, नहीं आया है अभी तक। अब देख सकते हो ना सर, आपको भी स्क्रीन में दिखता होगा ना। अच्छा अच्छा हाँ 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 ओके सर, ओके, गया सर मैं। इसमें रीसेंट का ऑप्शन आया है सर, कर दूँ? हाँ जी, हाँ किया हो। ठीक है, ओके ओके सर, जी जी सर, ओके ओके सर, हाँ जी सर। और आप देख सकते हैं दोस्तों, उसने जो एप्लीकेशन मेरे को डाउनलोड करवाया क्विक सपोर्ट, ये एप्लीकेशन उसने डाउनलोड करवाया है मेरे से। अब जब मैं इसको पेटीएम ओपन करूँगा तब मेरे को क्या नोटिफिकेशन आता है वो आप देख सकते हो दोस्तों। अभी मैं एप्लीकेशन ओपन किया हूँ, इसका फ़ोन काट देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसका। जितना मेरे को समझाना था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए दोस्तों क्या आया, आप देख सकते हो दोस्तों, प्रोसीड टू अन इंस्टॉल ऐप, मतलब जो इसने क्विक सपोर्ट अपने को डाउनलोड करवाया है ये, अभी ये बार बार फ़ोन करेगा मेरे को, मतलब जो इसने क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया है अपने को, वो एक फेक एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि वो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी मदद से वो अपना पासवर्ड देख लिया है उसने। लेकिन मेरे को पता था कि वो पासवर्ड देखने वाला है, अभी ये बोल अपने को क्लियर इसमें दिखा रहा है कि आपको ये हटाने का है, सर्च एप्लीकेशन और अनइंस्टॉल, उसके बाद ही आप इसको अलाउ करिए, वरना आपको दिक्कत आ सकती है, आपका जो भी डेटा है, आपका पासवर्ड, वो सब आपको आपसे मतलब रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसको हटा देते हैं, अब चलो इसको थोड़ा बोल ही देते हैं, बहुत परेशान कर रहा है। हाँ जी बोलो, वो सब हो गया, अब तू फोन रख दे, ठीक है? वो सब हो गया, फोन रख दे अब, वो जो भी होना था वो हो गया, चल रख दे फोन बेटा। क्या हुआ, कहाँ से बोल रहा है तू बेवकूफ साला गधा, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ वही, यहाँ पे मैं ऑडियो को थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, कुछ प्राइवेसी प्रॉब्लम की वजह से, वो बहुत ही गाली बोल रहा था इसीलिए मैंने ऑडियो को थोड़ा म्यूट कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आप वीडियो में बनाइए। तो आपने कैसे गाली बोल रहा था, अगर कोई भी अपना मतलब पेटीएम का कोई भी मतलब रिस्पेक्टेड ऑफिसर होता है या फिर रिस्पेक्टेड मतलब जॉब कर रहा है कोई भी पर्सन आपको कॉल करेगा तो वो कभी भी गाली नहीं बोलेगा। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, आपको ऐसा कोई भी फ्रॉड आए मतलब ऐसा क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले ही दो बार सोच लीजिए, और मैं अपना पासवर्ड भी चेंज कर दूंगा क्योंकि इसको पता नहीं चले कि एक्चुअल में इसके साथ क्या हुआ था। तो ऐसे ही आप बहुत ही समझदार रहिए दोस्तों। जैसे ही मैंने वो एप्लीकेशन हटा के ओपन किया, मेरे को यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये था आज का मेरा ये वीडियो, आप ऐसी बहुत ही सारी लिंक आती है, बहुत ही सारा डेटा लीक होता है, आपका फ़ोन नंबर बहुत जगह पे चला जाता है, तो आपको ऐसे लिंक बार बार आती रहेगी, तो आप इससे बहुत ही संभाल के चलिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया, मेरे से पहले मेरा पेटीएम में बैलेंस जानने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जान पाया क्योंकि मेरा बैलेंस में लॉगिन ही नहीं करके दिखाया मैंने उसको, जैसे ही लॉगिन करके दिखा था तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली जान लेता वो।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। मिस्टर इंजीनियर चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा, ऐसा ही आपको बहुत सारा नॉलेज बताता रहूँगा। आखिर तक मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।